बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं हमारे देश में जहां पर अगर हमारी बेटी बाहर शौचालय के लिए जाती है तो उस पर दुष्कर्म होता है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे बेटी और हमारे माँ के इस कष्ट को, इस आपदा को दृष्टि में रखते हुए उन्होंने कहा कि हर घर में शौचालय होगा, ये केवल और केवल महिलाओं के सम्मान रखने के लिए। और वैसे देखेंगे तो यहाँ ओडिशा में लगभग 74 लाख शौचालय का निर्माण यहाँ हुआ है केंद्र सरकार के भागीदारी से। और वैसे ही उज्ज्वला योजना की बात किया गया था, अभी यहां के गरीब महिलाओं को मुफ्त में उनको गैस कनेक्शन दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री यही बोले कि मैं अपनी मां को देखा हूं जो चूल्हे के सामने बैठकर फूंक फूंक के वो मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए खाना बनाती थी और वे सारे के सारे जो धुआं है उसके अंदर जाकर उनकी उसकी बुरी असर उसकी हेल्थ पर पड़ती थी। इसलिए मैं मुफ्त में देश के हर एक गरीब महिला को मैं गैस कनेक्शन दूंगा। और आज उड़ीसा में अगर हम देखेंगे तो लगभग 20 लाख महिलाओं को मुफ्त में यहां उज्ज्वला योजना के तहत उनको कनेक्शन दिया गया है। वैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना, हर एक महिला की यही सपना होता है कि उनके सर पर छत हो, वे गौरव के साथ जिए। और इसको दृष्टि में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना आगे लेके आए और यहाँ ओडिशा में लगभग 20 लाख घर का निर्माण हुआ है, वो भी केंद्र सरकार की भागीदारी से। पिछले बार जब मैं आई थी ओडिशा में तो यहाँ के सारे नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मेरे नजर में यही बात लेके आए कि प्रधानमंत्री आवास योजना पर यहाँ का सरकार बिजू पक्का घर का पोस्टर चिपकाता है। तो मेरा यही मानना है कि यहाँ का सरकार जो है ये यहाँ के लोगों की हित के लिए काम करने वाली सरकार नहीं, केवल पोस्टर चिपकाने वाले सरकार है, यही मैं मानती हूं। और जब हमारे नेता लोग आवाज उठाए उस पर तो चट से उन्होंने वो पोस्टर को छोटा कर दिए। और वैसे ही अगर आप देखोगे हमारे देश प्रगति पथ पर चलने वाली देश है, ये हम सब मानते हैं, पर हमारे देश में ऐसे भी प्रदेश है, ऐसे भी छोटे छोटे प्रांत है जहां पे लड़की पैदा होना भार माना जाता है कहीं कहीं गरीब के घरों में। तो इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री उन बेटियों के संरक्षण के लिए, ये बताने के लिए कि बेटी का पैदा होना भार नहीं पर वो हमारे घर की लक्ष्मी है, इसीलिए उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना आगे लेके आए।